हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज बन रही हैं ब्रेकफास्ट में फूल गोभी की कचौड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फूल गोभी को मैंने साफ़ करके धो करके और इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया, जो बारीक बारीक कट कर लिया है अच्छे से। और अब इसमें मैं मिलाऊँगी मसाले और तो मैंने रख लिया है फ्राई पैन। अब इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें अब फ्राई करूंगी मैं गोभी जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई है। तो घी पिघला लेते हैं और फिर इसमें डालूंगी मैं ये गोभी और फिर मसाले ऐड करूंगी। तो आप तो चलिए गाइस, थोड़ा स्टर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी अब मसाले। तो डाल लेते हैं इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आप खाते हैं आप वैसा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है तीखी वाली। थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर भी डाल लेते हैं, धनिया पाउडर भी डाल लेते हैं 2 चम्मच। और अब मसाले इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और धीमी धीमी आंच पर मैं इसको रोस्ट, गाइस धीमी धीमी आंच पर मैं रोस्ट कर रही हूँ गोभी। और गाइस अब डाल लेते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप डालेंगे तो। मिक्स कर लेते हैं गरम मसाला। गाइस गोभी रेडी हो गई है और आटा लगा कर भी मैंने रेडी कर लिया है। और चलिए बनाते हैं कचौड़ी गोभी वाली। तो एक पेड़ा ले लिया मैंने और गाइस इसे बेल लेते हैं। इस पर मैं भरूंगी गोभी की फिलिंग। तो देखिए मैंने गोभी की फिलिंग को भर लिया है इसमें। और देखिए आप इसको मैं लोई कैसे बना रही हूँ, ये बिल्कुल भी इससे ना निकलती है ना फटती है कचौड़ी। और अगर आप भी ऐसे भरेंगे तो बिल्कुल भी कचौड़ी ना निकलेगी ना फटेगी, आप ज़रूर से देखिए आप। और अब ऑयल ले करके लोई पे और इसको मैं बेल लूँगी अच्छे से हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। और एक और बना लेते हैं, इसको मैं अलग तरीके से भरूंगी, आप ज़रूर से देखिए। इसको मैं लोई लेके और थोड़ा सा गहरा करके और उसमें अब मैं फिलिंग भर लूँगी, बेलने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से फिलिंग भरूँगी। और इसको मैं बंद कैसे करूँगी आप इसे आप ज़रूर से देखिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बनती है और ना ही निकलती है ना ही फटती है। तो चलिए कचौड़ी फ्राई कर लेते हैं। गाइस आप भी इस कचौड़ी को जरूर से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये। और सर्दियों में अगर आप ऐसे बनाकर खाते हैं चटनी या सब्जी के साथ, बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो गाइस इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करना। गाइस कचौड़ी बना लेते हैं और खिलाते हैं सबको गर्मा गर्म, और आप भी खा लीजिए। तो लीजिए गाइस कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बनकर रेडी है और प्लेटिंग कर दी है, और आप भी खा लीजिए। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगती है, और वीडियो शेयर भी जरूर से करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।